हैं, चाहे वो जितने भी ऑफ रोड कम्युनिटी है, टू व्हीलर हो फोर व्हीलर, मैं तो प्रेफर करूँगा सारों की एक बार इस जगह को ज़रूर विजिट कीजिए। इस जगह में बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने को, और अभी हम आगे जाएंगे और भी आगे के नज़ारे दिखाएंगे कि आगे क्या है। लोकल्स ने तो बोला है गाड़ियाँ जाना मुश्किल है, पर हम जाएंगे ज़रूर, पक्का एक्सप्लोर करेंगे। काफ़ी टफ है ये। अब हम निकल चुके हैं आगे की तरफ, और ये मेरी सहयोगी गाड़ी दूसरी ये आ रही है, ये लोकेशन। और अब यहाँ से ये छोटी मोटी वाटर क्रॉसिंग शुरू हो चुकी है। ये छोटे छोटे स्ट्रेच है, पारस तो इसको वैसे ही हवा में निकाल लेगा। क्या पारस, क्या बोलता है? हाँ जी सर, जरूर आप साथ में हो फिर कहाँ डरना। ये समझ लो आप अपनी गाड़ी की सर्विस करवा रहे हो आज, पैसे बचा रहे हो। बढ़िया, बड़े अच्छे तरीके से, बड़े अच्छे बैलेंस। देखिए गाड़ी, ये चलाने का मजा कि ये नहीं कि चलाने को, ये भी यहाँ पे तेज चला सकते हैं। ये इनकी अभी ये जैसी है कि इनको इस तरह की गाड़ी चलाने में मजा नहीं आता, मगर बड़े प्यार से चला रहे हैं, क्योंकि इनको भी मालूम है कि अपनी गाड़ी, गाड़ी अपनी है, उसको संभाल के चलाना। और ये पीछे मेरी दूसरी गाड़ी आते हुए, बाकी दो गाड़ियां आगे चली गई हैं। और ये एक झज्जर का नजारा, जो चिनिनी नाला, इसको चिनिनी नाला बोलते हैं। चिनिनी नाले से होते हुए ये सामने जो ब्रिज आ रहा है, ये चिनिनी नाला ब्रिज है। और एक गाड़ी तो मेरी जिप्सी आगे निकल गई है, और थार मेरी जा रही है एक। ये देखिए, अब एक गाड़ी तो मेरे ख्याल शायद मेरी वो नीचे लगी हुई है, आगे पहुंच चुकी है, वही है ना गाड़ी। मगर इन्होंने वाटर क्रॉसिंग कर ली है। अब हम आगे की तरफ, अबे एक टायर ऊंची वाली जगह पे रख लेते, गाड़ी और तेरी स्मूथ हो जाएगी। अपने राइट पे रख ले, राइट वाली साइड तेरे पत्थर ज्यादा काम में पड़े वाले, यही एक पत्थर है बस। बस बढ़िया, इसके बाद ये पत्थर बचा ले, उसके बाद ये वाली तेरी। और जब भी कभी आप चल रहे हो, आप अपने ट्रैक का, अपना ट्रैक खुद बनाओ। हाँ जी। जैसे आप एक मेरा जिस सीट पे मैं बैठा हूँ, वो आपने ऊंचाई पे रखा हुआ है, और दूसरा टायर भी, इससे क्या होता है गाड़ी की नीचे से ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ जाती है, बढ़ जाती है, छोटा मोटा पत्थर नहीं लगता। अगर दोनों में आप बराबर चलाओगे तो आपकी गाड़ी जरूर लगेगी। अब तू रोकना मत गाड़ी को, फोर बाई लो में डालना, हाई हैवी में मत डालना, लो में डाल। तो दोस्तों अब ये स्ट्रेच जो है, ये कंटिन्यू ब्रिज तक है। और ये देखिए, अब ये पहला स्ट्रेच इसका शुरू हो चुका है। ये ये पानी, ये इतना इतना पानी है गाड़ी में, रोकियो मत गाड़ी, बस और कुछ नहीं होगा। ये सामने सामने सीधा सीधा सीधा, जैसे मिट्टी आ रही है सीधा, ये देख। और ये मेरी पीछे से दूसरी गाड़ी आते हुए, बहुत बढ़िया, एक ही मोमेंटम पे। एक ही मोमेंटम पे, और तीसरी थार भी मेरी ये सामने स्ट्रगल करते हुए, ये थार भी
क्योंकि काफी लंबा सफर था, आदमी सोच नहीं पाता कि मैं कहाँ से जाऊं। और आगे दो गाड़ी जा रही है, क्योंकि सभी को अपना अपना है कि मेरी गाड़ी बची रहे, अच्छी बात है। यही एक एक्सपीरियंस होता है अगर राइडिंग आप कर रहे हो, आपके पास यही एक्सपीरियंस होना चाहिए कि आपकी गाड़ी आपके हिसाब से चले। तो ये मेरी यूके गाड़ी आए थार, और देख लीजिए वाओ बहुत अच्छे। और पीछे से मेरी दूसरी गाड़ी आते हुए, तीसरी गाड़ी आते हुए, ओए मैं भी थक गया यार। और एक बड़े प्यारे तरीके से गाड़ी निकली, ओ बढ़िया बढ़िया अच्छी निकाल ली। और ये तीनों गाड़ी है मेरी निकल। जिप्सी आगे निकल चुकी थी और बड़े प्यारे अंदाज में, वाह क्या कहना है, कैसा लगा? बढ़िया, मजा आ गया। बीच में लग रहा था ना कि अब ये खत्म होना चाहिए, पानी होना चाहिए, क्योंकि गाड़ी पत्थर इतने बड़े बड़े थे ना, पत्थर बजरी थी थोड़ी। इसका कारण ये है क्योंकि यहाँ पे आजकल गाड़ियाँ चलती नहीं है इतनी, पहले जैसे ट्रॉली ट्रैक्टर चलते थे आजकल वो कम चलती हैं। उसका कारण है कि नीचे की जो सरफेस है वो बैठी नहीं होती है, और जैसे बारिश होती है ये दोबारा हिल जाती है। पहले ये हार्ड थी मगर अब तो सॉफ्ट है, देखा टायर कैसे घूम रहा था। तो जेसीबी भी लगी हुई है काम पे, और जेसीबी की खुदाई पिलर्स का कोई काम चल रहा होगा। तो वाह ये देखो दोस्तों, ये टेक्निक होती है कि गाड़ी को बाहर कैसे निकाला जाए। शायद किसी ब्रिज का या कोई काम होगा यहाँ पे, काफी ब्रिज है, ब्रिज की कोई होगा, तो उसी कारण ये यहाँ पे, वाह ये टेक्निक है ये। तो क्योंकि आप हमें रास्ता देने के लिए ये मिट्टी पे भी चढ़ा रहे हैं, क्या हो सकता है। यहाँ पे ये काम कर रही थी, ये चिनी नाले का ब्रिज है, सरखोई को जो रास्ता जाता है, सरखोई को रास्ता जाता है, वो तीनों सामने गाड़ी हैं, तीनों लग चुकी हैं। और अब हम और बहुत बढ़िया तरीके से बड़े आराम से साइड पे, क्योंकि यहाँ पे काम भी चल रहा है। और बानू ये भी सामने वीडियो बना, बानू भाई सबसे पहले नंबर वन में है। और ये जिस गाड़ी पे मैं अभी आधा पानी क्रॉस करके आया हूँ, और ये मेरी बाकी गाड़ियाँ। दोस्तों कैसा रहा सफर, और किसी गाड़ी में कोई कैसी कोई प्रॉब्लम आपकी, किसी की गाड़ी नीचे लगी? नहीं सर, कोई गाड़ी नीचे नहीं लगी। पहला मेरा यही पॉइंट रहा था कि गाड़ी तो नहीं किसी की कोई डैमेज हुआ, जैसे आप आए थे वैसे ही जा रहे हैं। और ट्रैक कैसा लगा आज को आपका, ये वाटर क्रॉसिंग ऑफ रोड वाटर क्रॉसिंग कैसी लगी? ट्रैक तो बड़ा ब्यूटीफुल था, वाटर क्रॉसिंग तो इतनी थी, मतलब चार पांच मतलब ऐसे पैच आए वाटर क्रॉसिंग के, चार मजेदार थे, मजेदार। तो क्या आप इस टाइप के ऑफ रोड पसंद करते हो, या हर आदमी की अपनी अपनी चॉइस होती नहीं, है? नहीं, मेरे को ऑफ रोड इसी टाइप के पसंद है, मतलब जिसमें गाड़ी मेंटेन भी रहे, गाड़ी को कोई नुकसान भी ना हो, और बंदा इजीली ऑफ रोड निकल जाए। बहुत अच्छा, थैंक यू पारस। तो आप आज का दिन कैसा रहा आपका? बहुत मजा है। क्या कुछ नया सीखा? गाड़ी तो आप काफी देर से चला रहे हो गए,
आज आपने क्या सीखा? इसमें ये कि जितने ऑब्स्टेकल है आराम आराम से, और जितनी आप स्पीड करोगे उतनी आपकी गाड़ी को खतरा है। कैसे लगता है? और जब आप कंकरे वाले में स्ट्रेच में चल रहे थे, पानी ज्यादा था, क्या महसूस हुआ दिल को? गाड़ी के टायर स्पिन हो रहे थे यार। इसका मतलब आपका पिकअप बहुत अच्छी है कि वही एक पॉइंट था जब मैं मोटरसाइकिल पे था, समझ लो मेरा मोटरसाइकिल का टायर जब स्पिन हो रहा होगा तो मुझे क्या लग रहा होगा? आपका तो बैलेंस फोर व्हील पे था और मेरा तो टू व्हील पे था, तो वो एरिया काफी टफ थे। और ये जो लास्ट वाला स्पैन था, इसके बारे में क्या बोलोगे? ये खत्म ही नहीं हो रही थी, इसलिए ये लग रहा कब खत्म होगी। एक टाइम आदमी सोचता है यार आप तो यार खत्म हो जाओ। नहीं नहीं नहीं, ये अलग है, ये तो जान है अपनी सारी। तो कैसा लगा आज का आपको ये ऑफ रोड? ऑफ रोड बहुत बढ़िया था, वाटर क्रॉसिंग बहुत बढ़िया थी। अभी हम इधर रुके हैं, स्नैक्स वगैरह खाएंगे अपने, फिर उसके आगे क्या पता थोड़ी और आगे जाएं, इधर और एक्सप्लोर करेंगे आगे क्या जगह है, क्योंकि हमने इधर लोकल से पूछा, वो कह रहे हैं आगे जाने की भी जगह है काफी। ये आपका एरिया बच्चू तक आप यहाँ से जा सकते हो। डंसाल एरिया का ब्रिज है, ये डंसाल एरिया का जो आगे बच्चू ब्रिज आता है ना, वहाँ तक आप जा सकते हो। अभी भी हमें यहाँ से बाहर निकलने के लिए तीन वाटर क्रॉसिंग है, छोटी छोटी हैं, एक ऑफ रोड स्ट्रेच है, एक 1.5 किलोमीटर का भी सफर है। तो आप क्या मैसेज देना चाहोगे ऑफ रोडिंग के लिए? जितने भी ऑफ रोड ग्रुप्स हैं, चाहे वो जितने भी ऑफ रोड कम्युनिटी है, टू व्हीलर हो फोर व्हीलर, मैं तो प्रेफर करूंगा सारों की एक बार इस जगह को जरूर विजिट कीजिए। इस जगह में बहुत कुछ एक्सप्लोर करने को, और अभी हम आगे जाएंगे और भी आगे के नज़ारे दिखाएंगे कि आगे क्या है। लोकल्स ने तो बोला है गाड़ियाँ जाना मुश्किल है, पर हम जाएंगे जरूर, पक्का एक्सप्लोर करेंगे। काफ़ी टफ है, इतना आसान नहीं है, ये आपकी कैपेबिलिटी थी, आप गाड़ी चलाते हो, गाड़ी का एक्सपीरियंस है, एज चाहे छोटी है मगर काफ़ी देर से आप गाड़ियाँ चला रहे हो। जैसे बताया था कि गाड़ी का मोमेंटम ना टूटे, तो गाड़ी का मोमेंटम बीच में, देखिए गाड़ी का मोमेंटम टूटा तो गाड़ी बीच, गाड़ी फिर बीच में, वही आपने सभी गाड़ियों ने बड़े अच्छे तरीके से इसको क्रॉस किया। तो चलो दोस्तों, देखता हूँ आगे अगर और होगा तो ठीक है, नहीं तो यहीं पे मैं वीडियो को एंड करेंगे और मजा करेंगे। दो बार जब हेलो गाइस, चैनल टू माय सब्सक्राइब, कैसे हो, चाय पी लो, बिस्किट खा लो। ये बुड्डू भाई है बिहाइंड द कैमरा। और इसी कैसी चाय बनी है? मजेदार, बढ़िया, बड़ी अच्छी चाय। आज जो हमारा कैटरिंग का काम था, पहली बार ऋषि भाई ने किया, मैगी बनाई बड़ी अच्छी, और अब चाय पिला रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लगा भाई के साथ। आज सभी राइडर्स बड़े अच्छे और सभी गाड़िये फिट, जैसे पानी में उतरी थी ऑफ रोड पे या पानी में उतरी थी वैसे ही ये बाहर आई है, और अभी रेस्ट हो रही है यहाँ पे, और उसके बाद अब चाय शाय पी के तो हम अपनी मंजिल की तरफ दोबारा बाहर निकल पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी, आगे किसी नए एपिसोड में किसी नए ट्रैक पे आपको दोबारा मिलूंगा। और दोस्तों अब निकलते हैं आगे, ड्राइवर को पूछेंगे सर जी ये रास्ता कुछ जंदा जंदरा बाहर निकली जंदा ना बाहर जाना कुत्थुआ ये पुल टपना और एक रास्ता। चलो, और यही जानकारी थी, इस रास्ते से हम आए थे, अदरवाइज यहाँ से भी ये सामने से रास्ता है, और देखते हैं। अब इस रास्ते को मैंने कभी किया नहीं है, तो इस रास्ते से देखता हूँ कि गाड़ी निकलती है या नहीं। बाकी गाड़ियाँ
एक दो तीन, ये देखिए वो अपना पानी में मजा कर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता अब हम अपने मंजिल की तरफ। और बानो कैसा रहा आज का? बहुत बढ़िया रहा सर, बहुत बढ़िया। लोकेशन कैसी लगी? बहुत बढ़िया। वाटर क्रॉसिंग कैसी लगी? वाटर क्रॉसिंग का तो पूछो ही नहीं। यही थे दोस्तों इस एरिया की एक डीप वाटर क्रॉसिंग और भी है, मगर इतना स्ट्रेच करना है क्योंकि पानी की बात होती है, कहीं वायर उर में ना लग जाए, इसलिए हमें भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि 2-3 किलोमीटर ज़्यादा वाटर क्रॉसिंग कर लो और इससे ज़्यादा ना की जाए। और शायद एक वाटर क्रॉसिंग अभी और आ रही है आगे, देखते हैं उसको कैसे निकाल पाते हैं। ये एक स्ट्रेच और आया वाटर क्रॉसिंग का और ये गाड़ी अब चली पानी में। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे पानी है तो गहरा होगा। ये देखो, रोके नहीं, रोके नहीं गाड़ी। ओ यार रोक, गाड़ी रोकनी नहीं। और ये देख लीजिए वाटर क्रॉसिंग और पीछे का ये, और देखिए पानी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये वाटर क्रॉसिंग इसमें ज्यादा ही पानी था। ये देखिए अब गाड़ी साइड ऊपर लगा लो, साइड ऊपर। और ये देखिए अब सार्थक भाई आते हुए, वाह ब्यूटीफुल। ये देख लीजिए पानी, वाह ब्यूटीफुल यार। और मुझे भी भागना पड़ा और मेरी अब तीसरी गाड़ी आते हुए, वाह। अब देखना दोस्तों पानी कहाँ तक आता है, ये देखिए वाह ब्यूटीफुल यार। बड़ा अच्छा कंट्रोल और बड़े आराम से ये। और ये देखिए पानी जब बाहर आता है तो ये, और ये मेरी आखिरी गाड़ी। बड़े प्यार से बड़े आराम से इन्होंने गाड़ी निकाली है। यही है कि ये करने से आदमी सीखता है। बहुत प्यारे एक ही मोमेंटम में गाड़ी का बाहर आना। और देखिए किस तरीके से ये गाड़ी बाहर निकली है। तो अब ये पुल से, ये पुल पे चढ़ जाना, हमने राइट ले लेना। बड़ा पानी हो पीछे नहीं है। और ये वाटर क्रॉसिंग थी जिसमें सबसे ज्यादा पानी था। और दोस्तों ये झज्जर है, झज्जर है, तभी है झज्जर है। तभी में भी नए इस टाइप के ट्रैक्स हैं तो उनके बारे में भी बताऊंगा। पहले उनको एक दफा खुद कर लूं तो फिर गाड़ियां लेके आऊंगा। और दोस्तों आज की ऑफ रोड ये मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। अगली दफा के लिए मिलता हूँ आपको आगे किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अलविदा।